लीजिए आप, पंडाल में काफी महिला वर्ग भी बैठा है। हमारी प्रकृति होती है, मोबाइल, मैंने मोबाइल और बीवी पे एक कविता लिखी है, मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है ये बीवी के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक बार तालियां बजा दीजिए। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूं मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मुझे पता सब भुगत भोगी बैठे। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, मगर मानव प्रकृति होती है। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है। समझ गए, तालियां बजा दो। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो तो चौकीदारी करो। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में दो प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली, दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, और गुस्से वाली रिंगटोन जब भी बीवी का फोन आता है अपने दिमाग में ऑटोमेटिक बजने लगती है, तूने मुझे बुलाया शेरों वाली, मैं आया शेरों वाली। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है। मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है, सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो, क्योंकि सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी को पाओगे।